रियलमी ने लॉन्च किया है रिसेंटली रियलमी 11 प्रो प्लस। तो चलिए फटाफट से उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है, क्या इसमें स्पेसिफिकेशन रियलमी 11 प्रो प्लस। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ऊपर के ये है कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन का। ये है हमारे पास ब्लैक कलर में, इसको हम साइड में रखते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। नीचे मिलता है टाइप ए टू सी बुक केबल और उसके साथ आपको मिलता है 100 वाट का सुपर बुक अडेप्टर जो कि बहुत तेज़ी से आपको फ़ोन को चार्ज कर देगा। तो चलिए फ़ोन को रैप से निकालते हैं, बूट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचेस फुल एच डी प्लस ओलेड कॉर्प डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो 950 निट्स तक डिस्प्ले ब्राइटनेस इसका आउटडोर ब्राइटनेस है। प्रोसेसर की बात करें तो डायमंड सिटी 7050 का एक प्रोसेसर है जो कि 5G प्रोसेसर है। LPDDR4X का रैम है, UFS 2.2, एंड्रॉयड 13 में बेस्ट है। 5000mAh के साथ 100W का चार्जिंग सपोर्ट है जो कि बॉक्स में देता है चार्जर। 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि सैमसंग HP3 लेंस के साथ आता है। उसके साथ OIS का भी सपोर्ट मिलता है 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। NFC का सपोर्ट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस मोटर लाइनिंग हैप्टिक फीडबैक बहुत ही बढ़िया है इस फोन में। वाईफाई का 6 मिल जाएगा आपको इसमें। सेल्फी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और इस फोन थिकनेस की बात करें तो बहुत स्लिम है, 8.7mm थिकनेस में मिल जाएगा। और वेट की बात करें तो 180 ग्राम मिलता है। वैसे कैमरा में बहुत सारा मोड्स मिल जाएगा, देख सकते हैं इसमें बहुत सारा मोड दिया हुआ है, स्लो मोशन, स्टेरी मोड, ग्रुप पोर्ट्रेट। और वीडियो की बात करें तो इसमें आप वीडियो 4K ऑप्शन में 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप 1080p पे शूट करेंगे तो 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसका 3 कलर वेरियंट आ रहे हैं, ब्लैक कलर, गोल्डन कलर और एक तो ग्रीन कलर। ब्लैक कलर जो है मैट फिनिशिंग में आता है, ग्रीन कलर जो है वो लेदर फिनिश और जो गोल्डन कलर लेदर फिनिश।